बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बन रहा है आज मेरा नाश्ता, देसी नाश्ता। मुझे अजीब वाला अंडा खाने को दिल कर रहा था। प्लस नाश्ता बन रहा है, ये मुबशर का दूध है। मेरा भी आज दूध का मूड है। और जी देखते हैं अभी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से ये दूध ही ना जाए। बस जी, अब तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमज़ान शरीफ आने वाला है और फिर हम ये सहरियाँ बना रहे होंगे। बड़ी खुशी, अल्लाह हमें नसीब करे। आमीन आमीन। हम सबको नसीब करे, मुझे आपको, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे तो ठीक से हम नमाज ठीक पढ़े, रोज़े ठीक रखें। रोज़े रखें तो किसी की जुगली भी बद ना खाएँ, मतलब ऐसा कोई काम ना करें। अल्लाह ताला हम बहुत सारी हिदायत दे। आमीन। चले जी, यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। मैं मुबशर को आवाज़ दूंगी और आज नाश्ता जो है वो मैं अम्मी के घर कर रही हूँ, तो मैं बाजी की चाय जो है पहले डालूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मलाई क्रीम आगे आ जाती है ना, तो चाय गिरने लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर से मशीन लगा ली है और इधर से जो है मैं आज ग्रासेट वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा बस रमजान शरीफ में 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो इस झाड़ू से माशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई होती है। हमारे काम नहीं कभी खत्म होते, यकीन करें। मशीन तो मुझे लगता है हम पे डेली की ड्यूटी है, मशीन हमने डेली लगानी होती है। तो रमज़ान की सफाइयाँ खास खास चल रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ और इसके रोज़े और इसकी सारी बातें सब कुछ नसीब फरमाए। आमीन। मैंने कहा चले धो ही लूँ यार, क्योंकि मैं नमाज इसी पे पढ़ती हूँ ना। वैसे तो वो तो पाक साफ है, के चलो अच्छी तरह फिर से धो लूँ। की अपनी बात होती है। सबसे पहले हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, ठीक है। 1/2 किलो जो है ग्रीन मिर्ची है, और इसको मैंने जिसकी बैग है ना वो साफ कर ली है, ठीक है। कटिंग करें आपकी मर्जी है, ठीक है, ना करें तो ऐसे ही, ठीक है। अब आपने आग जो है चला लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमें सिर्फ पकाना है, भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें जो है लहसुन का एक पूरा जो होता है ना, एक पूरा वो मैंने छील लिया है, तो सारे डाल दिए। एक छोटा सा मैंने मुनासिब सा हिस्सा डाल दिया है, फिर भून लेंगे ताकि लहसुन का जो हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए। वाली डाल देना है कच्चापन को, हाँ, और फिर हमने इसको कवर कर देना है, ठीक है। आग कितनी रखनी है? बस हमने जो है ना इसे बस रख देना है, कम नहीं करनी, ज्यादा आंच थोड़ी सी मैं कम कर देती हूँ क्योंकि जरा ज्यादा है, ठीक है। चलो ये आग हमने इसे बंद कर दी। अब हमारी आग जो है ना फ्लेम बिल्कुल बंद है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। इसमें डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चम्मच जो है थोड़े भरे हुए हैं, मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि ये जो है इसी गरम गरम मिर्ची में ये चीनी जो है खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। और पानी हमारा कोई नहीं बचा हुआ था, पानी फुल ड्राई था। ये देखिए, अब इसका पानी जो है वो हमने नहीं छोड़ा था, लेकिन चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये चीनी का पानी है, ठीक है। अब हमने इसको जो है ना फुल ठंडा हो जाए तो हमने इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। हमें इसे जग में डाल,
हमने अब इसको हम हमने ना अच्छी तरह से यूं छान देना है, ठीक है। तो जी हमारी ये ग्रीन चटनी तैयार है। इसे आप जो है फ्रिज में रख लें बनाकर। ये इतनी टेस्टी होती है, मार्केट से हमें ये इतनी महंगी पड़ती है और इतनी अच्छी सेहत से भी नहीं बनती। तो घर में आप इसे आराम से बना सकते हैं, दही बड़े और हर चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। और आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। इसके बाद आप इसे बिल्कुल ड्राई बर्तन में, मतलब जो भी जार आप यूज़ कर रहे हैं फुल ड्राई होना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे जो है मैं इसमें डाल के रख लूँगी फ्रिज में, ठीक है। तो ये इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी, बल्कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करिए मार्केट से बहुत सस्ती भी पड़ती है और यकीनन मतलब सेहत के हिसाब से भी बेस्ट है। तो ये रमज़ान शरीफ में बना लो, माशाल्लाह मेरी तो काफ़ी अर्सा चल जाएगी क्योंकि दो बोतल्स मेरी निकल आई हैं और मेरी फैमिली इतनी छोटी है। तो ये दही बड़े हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, कबाब के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन चटनी बहुत टेस्टी होती है, माशाल्लाह यमी होती है। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिर्ची से माशाल्लाह ये बोतल फुल है, ठीक है, और ये बोतल भी इतनी हो गई है। तो आप आराम से रमज़ान शरीफ में इसे यूज़ करें और इसे अभी जो है मैं जा रही हूँ अब फ्रिज में रखने, ठीक है।